Guys, welcome back to my channel. I am Meena. So I have been observing there have been so many dilemmas about CS internship. मतलब बहुत सारे बच्चों को ये dilemma है अभी भी कि उनके ऊपर कौन सा internship applicable है, उन्हें कितने time का training करना है, और अगर training करें तो executive की बात करें, professional की बात करें, group 1 की बात करें, group 2 की बात करें. तो इतने सारे dilemmas अभी आपके मन में already थे and more so because institute ने नया training structure अभी applicable कर दिया है 2020 onwards. और वो ट्रेनिंग स्ट्रक्चर एप्लीकेबल है नॉट जस्ट ऑन द स्टूडेंट्स जो 2020 ऑनवर्ड्स एनरोल करेंगे हमारे डिग्री के लिए बट रेट्रोस्पेक्टिवली आल्सो ऑन ऑल दो स्टूडेंट्स जो पहले से एग्जीक्यूटिव में थे या प्रोफेशनल्स में थे. सो अब बहुत बड़ा डिलेमा है कि आपके लिए आपके ऊपर कौन सा ट्रेनिंग स्ट्रक्चर एप्लीकेबल है. आपको 2 साल का ट्रेनिंग करना है, 3 साल का करना है, 1 साल का करना है, आपके ऊपर कौन सा ट्रेनिंग स्ट्रक्चर एप्लीकेबल होगा अगर आप एग्जीक्यूटिव की बात करती हो या प्रोफेशनल की बात करती हो. सो एंड बहुत सारे बच्चे मुझे भी क्वेरीज भेज रहे थे and I promise them ki I'll make a video on this. So I've got you covered and here's the video. In this video we'll discuss ki aapke upar kaun sa training structure applicable hoga. Hum pehle old structure ke baare mein padhenge ki pehle structure kya tha training ka aur uske baad naya structure kya hai. Hum har level pe jo bacche hain aap pehle CS EG mein ho, CS foundation mein ho, executive, professional, aapka group 1 clear hai, group 2 clear hai, group 3 clear hai, hum aapko sari details yahi pe cover kar lenge ki aapko kitne time ka training karna padega. Alright, इसके बाद मैं आपको अपना वर्डिक्ट दूंगी फाइनल कि मेरे हिसाब से आपको कितने रैंक का ट्रेनिंग करना चाहिए, आपको एग्जैक्टली कब अगर आप अपना ट्रेनिंग स्टार्ट करोगे तो आपके लिए मोस्ट बेनिफिशियल रहेगा. ओके, नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. देखो अब जो नया स्ट्रक्चर आया है उसके बारे में डिस्कस करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि पहले क्या स्ट्रक्चर था, देन ओनली विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या चेंज आया है एंड आप उस पोजिशन पे होगी आप समझोगे कि वो चेंज क्यों आया है. चलिए, तो जो पहले ट्रेनिंग का स्ट्रक्चर था वो था 3-2-1. ये कोई रेस नहीं बता रही हूँ. 3-2-1 स्ट्रक्चर था हमारे पहले का ट्रेनिंग का. इसका मतलब अगर आप फाउंडेशन पास स्टूडेंट हो, फाउंडेशन पास स्टूडेंट के लिए जो ट्रेनिंग होता है वो होता है 3 इयर्स का. फाउंडेशन पास का मतलब है आप एग्जीक्यूटिव में हो. एग्जीक्यूटिव मतलब आपका ग्रुप 1 क्लियर है तो भी आप एग्जीक्यूटिव में हो, ग्रुप क्लियर नहीं भी है तो भी आप एग्जीक्यूटिव क्लियर. तो पहले ये प्रोसीजर था कि जो भी बच्चे अपना फाउंडेशन पास कर चुके हैं और वो ट्रेनिंग स्टार्ट करना चाहते हैं वो एग्जीक्यूटिव में होते हुए भी अपना ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हैं और उनका ट्रेनिंग रहेगा कितने इयर्स का, 3 इयर्स का. नंबर 2, दो स्टूडेंट्स हु हैव क्वालिफाइड एग्जीक्यूटिव. क्वालिफाइड एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है जिन्होंने ग्रुप 1 और ग्रुप 2 एग्जीक्यूटिव के दोनों ही क्लियर कर लिए हैं. ठीक है, अब जो भी बच्चे उस लेवल पे फॉल करते हैं मतलब एग्जीक्यूटिव पास्ट है इसका मतलब वो भी प्रोफेशनल में अंडरगोइंग होंगे. अब वेदर और नॉट उनका एक भी ग्रुप क्लियर हुआ हो, दो ग्रुप क्लियर हुए या कोई ग्रुप क्लियर नहीं हुआ हो, वो सभी सेम कैटेगरी में फॉल करते थे. और अगर आप एग्जीक्यूटिव पास हुआ आप ट्रेनिंग शुरू करते हो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, आपका एक ग्रुप क्लियर होने के बाद, दो ग्रुप क्लियर होने के बाद या बिना किसी भी ग्रुप क्लियर के आपका रेंज रहता था वो 2 साल का था. और लास्ट जो बच्चे प्रोफेशनल पास कर चुके हैं सारे लेवल्स उनके क्लियर हो गए हैं, अगर उनको ट्रेनिंग स्टार्ट करना है तो उनका ट्रेनिंग होगा 1 ईयर का. इसलिए मैं इसको बोलती हूँ 3-2-1. ये जो 3-2-1 का ट्रेनिंग था इसको हम बोलते हैं प्रैक्टिकल या इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग. अपार्ट फ्रॉम दिस प्रैक्टिकल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आपको 2 ट्रेनिंग्स और भी करने होते थे जो 15-15 डेज के होते थे. फर्स्ट ट्रेनिंग होता था 15 डेज का इंडक्शन प्रोग्राम जो आपको करना था एग्जीक्यूटिव पास करने के बाद. सो इट वॉज 15 डेज और उसको 5, 5, 3 और 2 के ब्लॉट्स में लोगों ने डिवाइड किया था. आप चाहो पूरा 15 के साथ में भी कर सकते थे और या फिर आप उसको अलग अलग लॉट्स में भी कर सकते थे. क्लियर, तो वो होता है एग्जीक्यूटिव पास और प्रोफेशनल एग्जाम अपियर होने से पहले. और सारे एग्जाम्स आपके हो गए और आपका ट्रेनिंग भी हो गया मतलब आपका प्रोफेशन क्लियर हो गया, आपका जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है वो भी कंप्लीट हो गया, तो आपको 15 डेज का MSOP भी करना पड़ता था. MSOP हमारा लास्ट ट्रेनिंग होता है जो हम इंस्टीट्यूट करवाता है, दिस मल्टी स्किल ओरिएंटेशन प्रोग्राम. सो बेसिकली आपको इंस्टीट्यूट वो सिखाता है कि जो कौन से फाइनल टचेस है आप इंस्टीट्यूट चाहता है कि आपके पास हो या कौन से प्रोफेशनल एटिकेट्स जो आपने होने चाहिए बिकॉज आप प्रोफेशनल बन गए. ये होता है 15 डेज का जो आपको वन शॉट में करना होता है, इसमें आपको लॉट्स में करने का ऑप्शन नहीं मिलता. सो ये था पूरा फाइनल प्रोसीजर जिसके जो हमारे ओल्ड सिस्टम में था. क्लियर, लेकिन अब ये चेंज हो गया है. अब ये नया स्ट्रक्चर जो आया है वो 2020 में आया है, वो किन लोगों पे एप्लीकेबल है वो डिस्कस करते हैं और आप किस लेवल पे हो आपके लिए कौन सा ट्रेनिंग होगा उस पर डिस्कस करते हैं और फिर हम बात करेंगे मेरे फाइनल वर्डिक्ट के बारे में कि मेरे हिसाब से आपको कौन सा ट्रेनिंग करना चाहिए. चलिए स्टार्ट करते हैं. ये जो मैंने ट्रेनिंग है नया वाला उसको डिवाइड किया है 5 कैटेगरीज में. नंबर 1 हम रखेंगे वो स्टूडेंट जो अभी CSEET में है मतलब उनका CSET का एग्जाम अभी हुआ नहीं है, होने वाला है और वो उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं. नंबर 2 वो लोग जो किसी भी लेवल पर थे पर पुराने सेक्टर के हिसाब से अपना ट्रेनिंग जो है वो स्टार्ट कर चुके थे. नंबर 3 दो स्टूडेंट जो भी एग्जीक्यूटिव में है. अब एग्जीक्यूटिव में है इसका मतलब या तो उन्होंने अभी से एग्जीक्यूटिव में एनरोल किया है, कोई एग्जाम में अपियर नहीं हुए या फिर एक ग्रुप में अपियर हो चुके हैं, क्लियर कर चुके हैं या फिर नहीं कर चुके हैं या फिर दोनों ग्रुप से अपियर किया है, कुछ क्लियर किया है या फिर नहीं. इसका मतलब अगर मैं बोलती हूँ इन एग्जीक्यूटिव का मतलब है वो सभी बच्चे जो भी तक प्रोफेशनल में नहीं आए हैं.
अब चाहे उन्होंने ग्रुप क्लियर किया हो कोई सा या फिर नहीं किया हो, आज के एग्जाम में अपियर हुए हो एग्जीक्यूटिव या फिर नहीं हुए हो, वो सब बच्चे किस कैटेगरी में आएंगे? इन एग्जीक्यूटिव कैटेगरी। फोर्थ कैटेगरी इम्प्रोफेशनल। इम्प्रोफेशनल का मतलब आपने आज तक या तो प्रोफेशनल एग्जाम दिया होगा या फिर नहीं दिया होगा, आपने प्रोफेशनल का एक ग्रुप क्लियर किया हो सकता है, दो ग्रुप क्लियर किए हो सकते हैं, या हो सकता है कि आप अभी तीनों ग्रुप से सामने प्रिपेयर कर रहे हो। तो जो भी बच्चे अभी प्रोफेशनल में है, मतलब चाहे उनका कोई भी ग्रुप क्लियर हुआ हो या फिर नहीं हुआ हो और प्रोफेशनल पास नहीं किया है, प्रोफेशनल पास का मतलब होता है आपके तीनों ग्रुप प्रोफेशनल क्लियर हो चुके हैं, क्लियर। तो अगर आपका प्रोफेशनल कोई भी ग्रुप पेंडिंग है आपने या फिर कोई भी ग्रुप क्लियर नहीं किया है, तो आप कौन से कैटेगरी फॉल करते हो? इन प्रोफेशनल। और द लास्ट कैटेगरी, कैटेगरी नंबर 5 इज दो स्टूडेंट्स जो प्रोफेशनल पास तो हो चुके हैं लास्ट अटेम्प्ट में, पर उन्होंने अभी तक एनरोल नहीं किया किसी भी ट्रेनिंग के लिए। अब आपका जो लास्ट अटेम्प्ट था वो होगा दिसंबर 2019 वाला। तो जिन भी बच्चों ने दिसंबर 2019 में प्रोफेशनल का एग्जाम दिए थे और दिसंबर 2019 का जो रिजल्ट आता है वो आया था 25 फरवरी 2020, और उसमें आप प्रोफेशनल पास हो गए थे। प्रोफेशनल पास का मतलब आपके तीनों ग्रुप प्रोफेशनल के अब क्लियर हो गए थे, आपका कोई ग्रुप पेंडिंग नहीं बचा है, तो आप आ जाओगे लास्ट कैटेगरी विच इज प्रोफेशनल पास, क्लियर। तो आई होप आपने फिगर आउट कर लिया है कि आप कौन से कैटेगरी बिलोंग करते हो, कैटेगरी 1, 2, 3, 4 और 5। तो आप जिस भी कैटेगरी को बिलोंग करते हो मैं सारे कैटेगरी को अंदर डिस्कस करूंगी इस वीडियो में, और फिर आप समझेंगे कि आपके लिए कौन सा राइट टाइम है ट्रेन स्टार्ट करने का, और आपके लिए नए बच्चे के हिसाब से कब आपके ऊपर ट्रेनिंग एप्लीकेबल होगी और कितने टाइम की होगी। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब बात करते हैं नए स्ट्रक्चर के बारे में। सो आपको बता देती हूँ कि जो नया ट्रेन स्ट्रक्चर है वो यूनिफॉर्म ट्रेन स्ट्रक्चर है। इसका मतलब यहाँ पर कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं है कि आप एग्जीक्यूटिव पास हो या प्रोफेशनल पास हो। जो ट्रेन स्ट्रक्चर एग्जीक्यूटिव पास बच्चों के लिए वही प्रोफेशनल पास बच्चों के लिए। अब देखते हैं वन बाय वन कि आपके लिए क्या ट्रेनिंग एप्लीकेबल होगा। नंबर वन, कैटेगरी नंबर वन, जो बच्चे अभी CSET में है, CSET का मतलब अभी CSET प्रिपेयर कर रहे हैं, उन्होंने एग्जाम में अपीयरेंस नहीं दिया हुआ है। सो अगर आप CSET के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या CS फाउंडेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप अभी नन्हे मोड़े छोटे छोटे बच्चे हो और आपके ऊपर कोई भी ट्रेनिंग एप्लीकेबल अभी नहीं होगा। आपको आराम करना है, आपको कोई ट्रेनिंग का टेंशन नहीं लेना है। आप मजे करो, अपने एग्जाम प्रिपेयर करो और एग्जाम हो जाए उसके बाद सोचना क्या करना है। नंबर टू, एग्जीक्यूटिव, जो बच्चे अभी एग्जीक्यूटिव है। अब देखो जो नया स्ट्रक्चर आया है, अगर आप ध्यान से गाइडलाइंस पढ़ोगे तो जो नया ट्रेनिंग स्ट्रक्चर है वो इन एग्जीक्यूटिव, जो बच्चे अभी एग्जीक्यूटिव में है उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। ये उसके लिए है जो एग्जीक्यूटिव पास कर चुके हैं या प्रोफेशनल पास कर चुके हैं, ठीक है। तो अगर आपके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं है, मतलब आपके ऊपर क्या एप्लीकेबल है? आपके ऊपर वो 3-to-1 एप्लीकेबल है। इसका मतलब अगर आप अभी एग्जीक्यूटिव में हो और अभी आप अपना ट्रेनिंग स्टार्ट करना चाहते हो, तो आपको वही 3 years की ट्रेनिंग करना पड़ेगा, क्लियर। तो अगर आपका एक ग्रुप भी हो गया है तो भी आपके लगा आप स्टार्ट करना चाहते हो, आपके 3 साल का ट्रेनिंग है। एक ग्रुप नहीं हुआ है तो भी आपके 3 साल का ट्रेनिंग है, क्लियर। नंबर 4, इंप्रोफेशनल। अब ध्यान से सुनना, ज्यादा जो डिलेमास है वो इन कैटेगरी के बच्चों को है, एंड लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स बिलोंग टू दिस कैटेगरी, एंड वो मतलब हैंड्स डाउन टू इंस्टीट्यूट उन लोगों ने चेंज लेके आए हैं इन बच्चों के लिए, बिकॉज दे हैव बीन प्लानिंग कि अभी हमारा प्रोफेशनल हो जाएगा और हम 1 साल का ट्रेनिंग करेंगे। लेकिन अब इंस्टीट्यूट जो लेके आया नया ट्रेनिंग स्ट्रक्चर, उन लोगों पर रेट्रोस्पेक्टिवली एप्लीकेबल हो गया है, एंड नाउ दे हैव टू सफर बिकॉज ऑफ दिस। समझते हैं क्या है? देखो जो बच्चे अभी प्रोफेशनल में है मतलब या तो उन्होंने आज तक एग्जाम नहीं दिया है प्रोफेशनल का, एग्जीक्यूटिव पास किया हुआ है, या फिर उन्होंने एक आध ग्रुप क्लियर किया है या नहीं किया है, अपीयर हुआ है या फिर नहीं हुआ है, या सिर्फ एक आध ग्रुप पेंडिंग है, क्लियर। वो सब बच्चे किस में आएंगे? इन प्रोफेशनल। अब जो भी बच्चे प्रोफेशनल में अभी है और वो स्टार्ट करना चाहते हैं ट्रेनिंग, तो उनको करना पड़ेगा 2 साल का ट्रेनिंग स्टार्ट, क्लियर। तो एक्चुअली जो नया स्ट्रक्चर है वो आपके ऊपर एप्लीकेबल है और आपको करना पड़ेगा 2 years का ट्रेनिंग, एंड नथिंग न्यू है ना। जो बच्चे पहले एग्जीक्यूटिव पास होते थे उनको भी 2 साल का ट्रेनिंग था और अभी भी 2 साल का ट्रेनिंग है एग्जीक्यूटिव पास होते। अब यहाँ एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है? एक कंपल्सरी सुजोगन का डेट है जो आ चुका है, विच इज 3rd February 2021, ठीक है। पहले डेट था 3rd August 2020, मतलब इसको एक्सटेंड कर दिया गया है और अब वो कंपल्सरी सुजोगन का जो डेट है वो है 3rd February 2021। अब देखो इसका मतलब क्या है। अब जो भी बच्चे अगर चाहते हैं कि वो अपना ट्रेनिंग एनरोल करवा ले कंपल्सरी सुजोगन के डेट से पहले, मतलब कि 3rd February 2021 से पहले, वो लोग 2 साल ट्रेनिंग का, तो 2 साल का ट्रेनिंग करेंगे, लेकिन वो 2 साल करेंगे लास्ट स्ट्रक्चर के हिसाब से, मतलब ओल्ड ट्रेनिंग स्ट्रक्चर के हिसाब से। इसका मतलब अगर जो बच्चे ओल्ड ट्रेनिंग स्ट्रक्चर के हिसाब से अभी प्रोफेशनल में है और चाहते हैं कि वो क्या करें कि वो नया स्ट्रक्चर के हिसाब से ट्रेनिंग नहीं करें, ओल्ड स्ट्रक्चर के हिसाब से करें, तो वो कर सकते हैं और उनका ट्रेनिंग जो रहेगा वो 2 साल का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्लस 15 days का NSO, ठीक है। वो जो 15 days का इंडक्शन प्रोग्राम था वो तो कर चुके हैं बिकॉज एग्जीक्यूटिव पास करके टाइम हो चुका है, तो वो दोनों ने कर लिया। अब अगर यही बच्चे अभी सो जाए और सोचे कि अभी क्या करना है, 2 साल का ही तो है, तो बाद में करेंगे, थोड़ा 2-4 महीने 5-6 महीने के बाद। और अगर ये 2-4 महीने 5-6 महीने करते करते आ गया 3rd February 2021, तो इनके ऊपर कंपल्सरली क्या हो जाएगा? इनके ऊपर कंपल्सरली न्यू ट्रेनिंग स्ट्रक्चर एप्लीकेबल हो जाएगा। अब समझते हैं नया ट्रेनिंग स्ट्रक्चर है। जो नया ट्रेनिंग स्ट्रक्चर है वहां पे आपको 21 मंथ्स का ट्रेनिंग है,
कितना सब ट्रेनिंग है, 21 मंथ्स का आपका प्रैक्टिकल या फिर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का आप बोल सकते हो वो। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस 21 मंथ्स प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, आपके पास दो ट्रेनिंग्स और भी एप्लीकेबल होंगे। एक होगा EDP एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो आपका एग्जीक्यूटिव आपको करना पड़ेगा, और एक होगा CLDP कॉर्पोरेट लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये है 1-2 मंथ्स का, आपको वो भी करना पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हो आपका ट्रेनिंग जो प्रैक्टिकल वाला है वो 21 मंथ्स का रहे, आपके दो ट्रेनिंग करने की रेडी हो, देन यू शुड गो फॉर न्यू ट्रेनिंग स्ट्रक्चर, बिकॉज इट विल कॉस्ट यू 2 मंथ्स ना, वैसे भी वो 2 सॉरी इट विल कॉस्ट यू 2 इयर्स होगी ना, वैसे भी देखो 21 मंथ्स प्लस 3 मंथ्स वाले तो वो 2 साल ही बन जाएंगे। और सिमिलरली अगर आप ओल्ड सेक्शन में हो तो भी वो 2 साल का है, वो 2 साल पूरा का पूरा ट्रेनिंग स्ट्रक्चर है आपका प्रैक्टिकल वाला, और प्लस 15 डेज का आपको MSOP है। ठीक है, तो दोनों में से जो भी आपको ठीक लगता है आप सोच सकते हो, बट अगेन बहुत ज्यादा डिफरेंस दोनों में से किसी भी नहीं है, आपको दोनों ऑल अराउंड 2 साल के ही पड़ेंगे। सो जो भी स्टूडेंट्स प्रोफेशनल के 1-2 वर्ष तक कर चुके थे और सोच रहे थे हम पूरा प्रोफेशनल करने के बाद 1 साल का ट्रेनिंग करेंगे, उनके लिए आई एम रियली सॉरी, दिल के आत्मा आंसू में बह गए। इंस्टीट्यूट ने ऐसा काम कर दिया कि अब यू हैव नो ऑप्शन ना, आपको 2 साल का ट्रेनिंग करना ही पड़ेगा, और अब 1 साल वाला ट्रेनिंग तो हमारा नहीं हो पाएगा। चलो, सो लेट्स मूव अहेड एंड वी डिस्कस अबाउट नेक्स्ट कैटेगरी, कैटेगरी नंबर 5 प्रोफेशनल पास। तो यहाँ वो बच्चे हैं जो प्रोफेशनल पास कर चुके हैं, उनके तीनों को प्रोफेशनल क्लियर हो चुके हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप इस कैटेगरी में हो तो कंग्रेचुलेशंस, आपके जिंदगी से वो जून दिसंबर का बोझ जा चुका है, अब सिर्फ ट्रेनिंग करना है और जिंदगी मैनेज करना है, अब वो एग्जाम लिखना है वापस से। ठीक है, अब वो दो पीसेस क्या है, नंबर 1 आपने अपने ट्रेनिंग में एनरोल करवा लिया, अगर आपने अभी तक अपने ट्रेनिंग में एनरोल करवा लिया है तो वेरी गुड, आप सुपर फास्ट एवेंजर्स हो, अभी तक आप अपना अच्छा काम कर चुके हो, आपने एनरोल करवा लिया है, तो अगर एनरोल करा लिया तो कोई टेंशन नहीं है, एनरोल कराया होगा 1 साल का और 1 साल का ट्रेनिंग भी करना है, आपको कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, वेरी गुड, डू योर वर्क, अपने काम भी ध्यान दो, अच्छा करो, और कुछ टेंशन लेने के बाद नहीं, आपको 1 साल का ट्रेनिंग ही करना है, नथिंग न्यू इज एप्लीकेबल। ठीक है, अब अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं करवाया है तो प्लीज गुड मॉर्निंग, वेकअप, जाग जाओ, जल्दी से जल्दी रजिस्टर करवाओ अपनी ट्रेनिंग के लिए, ड्यू टू कोविड या आपको ट्रेनिंग मिला नहीं, आपका इंटर्नशिप नहीं हो पाया, इंटरव्यूज नहीं हो पाए, व्हाटएवर इज द रीजन, आपका अभी तक एनरोलमेंट नहीं हुआ है ट्रेनिंग के लिए 1 साल वाले, तो प्लीज वेकअप एंड रजिस्टर एज सून एज पॉसिबल, किसी भी इंटर्नशिप के लिए फर्म्स में कॉर्पोरेट में जो मिले रजिस्टर करवाओ जल्दी से जल्दी, बिकॉज अगर आपने 3rd February 2020 रजिस्टर नहीं करवाया, 3rd February 2021 रजिस्टर नहीं करवाया, तो आपके ऊपर कंपल्सरी नेट नहीं एप्लीकेबल हो जाएगा, फिर आपको 2 साल की ट्रेनिंग करना पड़ेगा। एंड माई फ्रेंड्स, दिस इज अ बिग लॉस, बिकॉज आपको 1 साल का पूरा पूरा नया ट्रेनिंग एडिशनल करना पड़ेगा जो आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता अगर आप 3rd February से पहले एनरोल करवा देते। ठीक है, सो इट्स नॉट टू लेट राइट नाउ, अभी भी आप कर सकते हो, अभी भी आपके पास टाइम है, अभी भी कुछ टाइम हमारे पास है, 5-6 महीने अभी भी हमारे पास बचते हैं, तो अभी भी आप क्या करो, आप जल्दी से ट्रेनिंग ढूंढो जो आपको सुटेबल लगता है और रजिस्टर कराओ, अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दो, 3rd February के आसपास तक कभी वेट मत करो, पहले ही रजिस्टर करवा लो तो कोई टेंशन नहीं बचे। सो आई एम श्योर बाय नाउ आपने अभी तक समझ लिया होगा कि आपके ऊपर कौन सी ट्रेनिंग एप्लीकेबल है, आपको आपकी ट्रेनिंग करना चाहिए। मैं एक बार समअप कर देती हूँ कि हमारा ट्रेनिंग स्ट्रक्चर कैसा है और आपके लिए कौन सी ट्रेनिंग एप्लीकेबल होगा, मैं 5 ट्रेनिंग के बाद एक बार समझ आपको बता देती हूँ। बट बिफोर दैट, अगर आपको ये डाउट भी है कि आपने फिगर आउट कर लिया कि आपको ट्रेनिंग कब करना है, लेकिन आप अभी तक ये फिगर आउट नहीं कर पाए कि आपको ट्रेनिंग करना है PCS में या फिर कॉर्पोरेट में, और दोनों जगह ट्रेनिंग हो सकते हैं, राइट, आपके ट्रेनिंग जो है वो PCS मतलब प्रैक्टिसिंग एग्जीक्यूटिव के साथ भी हो सकते हैं, या फिर आप कॉर्पोरेट्स जो बड़े बड़े कंपनीज है आप ट्रेनिंग कर सकते हो। अगर आपको ये डाउट है कहाँ आपके लिए बेटर रहेगा, कहाँ स्टाइपेंड्स बेटर है, हॉलीडेज बेटर है, या जितने भी डाउट्स आपको हो सकते हैं कि आपका अच्छा एक्सपोजर मिलेगा, कौन सिटी आपको ट्रेनिंग करना चाहिए, अगर आपके सारे डाउट्स भी हैं, देन यू कैन चेक आउट माई नेक्स्ट वीडियो, मैं इसके जस्ट बाद ही अपलोड कर दूंगी। सो अगर आपको वो डाउट भी है तो आपको देखना और आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि आपको कहाँ ट्रेनिंग करना है और आपके लिए कौन सुटेबल है, फॉर्म या फिर कॉर्पोरेट। क्लियर, ओके, सो जस्ट सम अप, आई विल जस्ट सम अप दिस वीडियो फॉर यू। अगर आप कैटेगरी 1 में थे CSET वाले में तो आपको कोई ट्रेनिंग नहीं करना है, कैटेगरी 2 वो बच्चे जो ट्रेनिंग कर रहे हैं अभी ऑलरेडी, उनको कोई टेंशन नहीं है, जो कर रहे हो वही करो, जो कॉन्ट्रैक्ट बनाए उसको फॉलो करो, कोई नया चीज आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। कैटेगरी नंबर 3 इन एग्जीक्यूटिव, अगर आप एग्जीक्यूटिव भी हो तो एज पर द स्ट्रक्चर आपके ऊपर 3 साल का ट्रेनिंग एप्लीकेबल होता है, बट अगेन आई वुड सजेस्ट कि आप 3 साल का ट्रेनिंग करो, बिकॉज सब कुछ अभी नया है आपके लिए और इस स्ट्रक्चर में कोप अप करना, साथ में ट्रेनिंग भी करना, वो माइट बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। सो अगर आपके लिए पॉसिबल है तो आप ट्रेनिंग मत ज्वाइन कीजिए, आप सिर्फ पढ़ाई कीजिए, आफ्टर एग्जीक्यूटिव यू कैन ज्वाइन। अगर आप प्रोफेशनल में हो, कैटेगरी नंबर 4 इन प्रोफेशनल्स, तो आपको ट्रेनिंग स्टार्ट करना चाहिए, बिकॉज आफ्टर प्रोफेशनल्स भी वो 2 साल का ही है, सो इट्स नॉट सेविंग यू टाइम एनीवेयर, तो अच्छा है अभी से ट्रेनिंग करो और साथ में पढ़ाई भी मैनेज हो सकती है, बिकॉज एग्जीक्यूटिव के बाद आपको थोड़ा आइडिया मिल जाता है कि पढ़ाई कैसे करना है, एग्जाम किस लेवल के आते हैं और आप अपना स्ट्रैटेजी बनाना सीख जाते हैं। सो एग्जीक्यूटिव के बाद आपको ट्रेनिंग बिल्कुल एग्जीक्यूटिव खत्म होते ही, रिजल्ट आते ही आपको ट्रेनिंग शुरू कर देना चाहिए, शुरू के बाद और अपना 2 साल का ट्रेनिंग आप अपने प्रोफेशन के साथ कर सकते हो, बाय द टाइम आपको प्रोफेशन खत्म होगा आपको ट्रेनिंग भी खत्म हो जाएगा। एंड द लास्ट कैटेगरी, कैटेगरी नंबर 5 प्रोफेशनल पास।
तो आप प्रोफेशनल पास कर चुके हो, सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डोंट वेट, थर्ड फेब आने तक अभी से रजिस्टर करवा लो अपना ट्रेनिंग के लिए. आपको ट्रेनिंग जो मिलेगा वो एक साल का मिल जाएगा. अगर आप थर्ड फेब के बाद करोगे तो कंपल्सरी आपको दूसरा का ट्रेनिंग नहीं करना पड़ेगा, विच विल कॉस्ट यू एक्स्ट्रा वन ईयर. तो अगर आप चाहते हो आपका टाइम बच जाए, आपको दूसरा का ट्रेनिंग नहीं करना है, सो प्लीज फटाफट ट्रेनिंग ढूंढो और अपना एक साल का ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर दो. क्लियर? आई होप आपको पूरा समझ में आएगा, आपके पास ट्रेनिंग एप्लीकेबल. Alright guys, that's it for today's video. If you like this video, make sure to give it a big fat thumbs up. I'll see you again in the next video. Until then, take care. And if you have the dilemma ki aapko kaun sa training karna hai aur training karna hai firm mein ya corporates mein, then you must watch my new video. Aapko usme sare details mil jayenge ki aapko training firm mein karna chahiye ya companies mein, which is better. Pura maine comparison kiya hai, aapko usme mil jayega. So if you want that, main link dal dungi in the description box below. You must check that out. Okay? Until then, take care. I'll see you again in the next video. Bye.